I'm sorry. मरियम, ये आपने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने भी गलत किया। मुझे नहीं पता था कि वो भूरा भैंसा, सॉरी फवाद आपका भाई है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके घर कभी नहीं आती। अच्छा, तो वो आप थी जो कल हमारे घर आई थी? हाँ, फिर हम आपके घर कभी नहीं आएंगे, प्रॉमिस। आपने हमारे घर कंप्लेंट तो नहीं की ना? अब्बू अम्मी हमें बहुत डांटेंगे। कंप्लेन तो हम जरूर करेंगे, हम आपसे बहुत नाराज हैं। आप हमारे घर आई और हमसे मिले भी नहीं चली गई। हाँ, ऐसा कोई फ्रेंड करता है क्या? नहीं नहीं ना, तो प्रॉमिस करिए कि अगली बार जब आप मेरे घर आएंगी तो हमसे मिले बिना नहीं जाएंगी। मतलब आप गुस्सा नहीं हो? नहीं। और आपने हमारे घर कंप्लेन भी नहीं की? नहीं, मैंने कंप्लेन तो नहीं की, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने फवाद का रूम क्यों खराब किया? पहले उसने किया, उसने मुझे कमरे में अकेले बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, हमने सुना कि आपने अम्मी की फ्रेंड्स को भी बहुत परेशान किया है। आपको वो अच्छी नहीं लगी? नहीं। एक बात बताऊं, मुझे भी अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल सही किया आपने। और हाँ, मुझे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कैसे लगे? आप भी बहुत अच्छी हैं। किसका फोन है? तुम काट क्यों रही हो? कौन है? कोई नहीं। तुम्हें भी क्रैंक कॉल शुरू तो नहीं हो गए? दिस इज गेटिंग सीरियस नाउ, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अरे अप्पी रिलैक्स, कोई क्रैंक कॉल नहीं है, ये ना कंपनी वालों का फोन है, कोई काम तो होता नहीं है, पूरा दिन भर कॉल करते रहते हैं। अप्पी वैसे कल से रमजान शुरू होने वाले है ना? हाँ, आज अगर चांद दिख गया तो, वरना परसों से तो है ही। पर वो कॉल, अप्पी कितना मजा आएगा ना, हम सब लोग साथ में चांद देखेंगे। अरे अप्पी, आपकी तो क्लास के लिए लेट हो जाएगा। हाँ मैं चलती हूँ, चलो मायरा मैं मिलती हूँ। हेलो रेहान, कितनी बार कॉल करोगे यार, बस 5 मिनट में पहुंच रही हो, 1 किलोमीटर रह गया है। रेहान मैं ऑलरेडी इस खटारा गाड़ी से बहुत परेशान हूँ, देखो तो मुझे बिल्कुल और नर्वस मत करो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, प्लीज फोन रखो। अरे माँ, मैडम गाड़ी से बाहर आइए। सॉरी। एक्सक्यूज मी, ये आपने? आप? जी जी। देखिए आज भी मेरी ही गलती है। आई एम रियली सॉरी, मैं आपका जो भी डैमेज हुआ है ना वो देने के लिए तैयार हूँ, पर आप इनसे प्लीज कहिए ना कि मुझे कहीं ना लेके जाए, मुझे बहुत अर्जेंटली कहीं पहुँचना है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, प्लीज कहिए ना इनसे प्लीज। मैं कहता हूँ ऑफिसर, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप रहने दीजिए प्लीज। 5,000 का फाइन आपको देना होगा। क्या 5,000? हाँ जी। 5,000 तो नहीं है मेरे पास। तो फिर आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा, चलिए। फोन नहीं मैडम अभी। फोन? पता है अगर कंप्लेन हो जाती तो मैं फिर से मेरा घर से निकलना बंद कर देती,
और सारा प्लान फेल हो जाता। कैसा प्लान? आज शाम को स्कूल में इवेंट है, मैं खूब सारी फोटोज खींचूंगी। अब्बू ने मुझे सही तरीके से फोटो खींचना सिखा दिया है, फ्रेम, फोकस और क्लिक, और मैं भी बहुत अच्छी फोटोज खींचूंगी और अब्बू की तरह जर्नलिस्ट बनूंगी। एक मेरा भी फोटो खींचना। इनका फाइन मैं पे कर देता हूँ, अब आप इन्हें जाने दीजिए। थैंक यू सो मच, आज आपने मेरा फाइन पे कर दिया, पर मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। देखिए आप रिलैक्स करिए, आप इतना प्रेशर मत लीजिए पैसों का। अगर आप चाहें तो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं चली जाऊंगी, आपने पूछा, थैंक यू। ओके, अगर आज घर पे पता चल जाता। ओके बाय। पूरा फोटो लेना, टोपी काट दिया था पिछली बार। चैरिटी फेयर किस लिए? अम्मी मैंने आपको बताया था ना, मरियम का स्कूल और हमारा कॉलेज मिलकर पुअर बच्चों के लिए एक चैरिटी फेयर लगा रहा है, हम सबको चलना है। इस इवेंट में क्या होता है? हर इवेंट अलग अलग होते हैं दादा हुजूर। आज के इवेंट में सारे बच्चे अलग अलग स्टॉल्स लगाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो इसमें कोई भी जा सकता है? जी जी दादा हुजूर, कोई भी जा सकता है, बस एंट्री फीस है। अरे दादा हुजूर रुकिए, आपका क्लोजअप बाकी है। अम्मी आप भी चलिएगा ना हमारे साथ इस इवेंट में? आप लोगों को फेट की पड़ी है और घर के सारे काम कौन करेगा? अगर आज चांद दिख गया तो तरावी होगी, सहरी के इंतजाम कौन करेगा? आमना भी और अम्मी, आप दोनों को कोई कौन समझाए कि एक सजने संवरने और पढ़ाई के अलावा भी घर में कुछ और काम होते हैं? होते हैं ना अम्मी, सिलाई बुनाई कढ़ाई। आपको मजाक लग रहा है ना ये? नहीं नहीं अम्मी, ये सब तो लड़की के असली गुण होते हैं। माहिरा आप दोनों को क्या लगता है, अगर आप दोनों की जगह मेरे लड़के होते तो मैं उनसे ये काम करने के लिए नहीं कहती? अम्मी हमारा वो मतलब नहीं था। जी अम्मी अच्छे से जानती हूँ आप लोगों का क्या मतलब था, आपको सब चीजें घर में रेडी मिल जाती हैं, इसलिए आपको किसी चीज की कोई कदर ही नहीं है। और आप दोनों जब कॉलेज से वापस आती हैं, अगर आपको खाना बना बनाया नहीं मिले तो क्या आप दोनों भूखी सो पाएंगी? सॉरी अम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम गलत हैं। इसलिए सही कहते हैं कि माँ के हाथों में जादू होता है, वो सारे के सारे काम अकेले जो मैनेज कर लेती है सुपर वुमन की तरह, है ना? प्लीज अम्मी हमें माफ कर दो अम्मी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आज ही जाफर चाचा से कहूंगी कि वो मुझे भी ना आपकी तरह सारे गुण सिखाएं। जी अम्मी। अच्छा चलिए मुझे छोड़िए। नहीं अम्मी हम नहीं छोड़ेंगे, पहले आप क्या हो गया, आपने हमें माफ किया। अरे माफ किया छोड़िए, पक्का हमें भी बनना है सुपर मॉम। मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम फिरदौस महल, चांद रात की जनरलिस्ट।